वहीं बंगाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर सुकांत मजुमदार ने कहा है कि बुधवार को यानी आज के दिन कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुनने के लिए लोगों में भारी उत्साह है। बुधवार की रैली के लिए मंगलवार शाम से ही लोग बंगाल के विभिन्न हिस्सों से कोलकाता पहुंचना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि आज कोलकाता में गेरुआ सुनामी आने वाला है। पश्चिम बंगाल अब बदल गया है। यहाँ के लोग अब ममता बनर्जी सरकार से उकता चुके हैं और भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति पाना चाहते हैं। वे यहाँ धर्मतला में बुधवार की रैली स्थल का जायजा लेने के लिए बात कर रहे हैं। ये बता दें कि यह विशाल रैली मनरेगा के तहत 100 दिन कार्य योजना के क्रियान्वयन में अनियमितताओं के विरोध में आयोजित की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री का दोपहर करीब 1:15 पर कोलकाता हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री दोपहर 1:45 से 3:15 तक धर्मतला सभा स्थल पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री दोपहर 3:45 वायुसेना के विशेष विमान से दिल्ली वापस लौट जाएंगे। इस बीच सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा की इस रैली में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कोलकाता आगमन के दिन को काला दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। पार्टी सूत्रों ने कहा कि बुधवार को बंगाल में पार्टी के विधायक काले कपड़ों में विधानसभा में शीतकालीन सत्र में भाग लेंगे।